everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and doing good. So guys, after a long time I got time to interact with you all. Okay guys, I was so busy these days. मतलब शादी के टाइम तो आई वॉज वेरी बिजी. मतलब मैंने ना मतलब आप लोगों से जिस दिन शादी था, मतलब जिस दिन लगन एंड बारात था, उस दिन तो आप लोगों से मतलब मैं कनेक्ट ही ज़्यादा नहीं कर पाई. मतलब मैंने सोचा था कि आई गेट रेडी एंड आई टॉक सब चीज़ आर एक्सप्लेन इन डिटेल, बट गाइस बिल्कुल टाइम नहीं मिला. मतलब इतना काम होता है ना उस वक्त कि कुछ कहने का नहीं, कभी ये काम तो वो काम, वो काम तो वो काम, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था. तो आज मैंने चलो भी सब हो गया है फाइनली, शादी का सब कुछ ख़त्म हो गया है. अभी मैं वापस अपने घर आ गई हूँ. बट मैं ना मतलब कि अभी का जो डेली वाइज जो चल रहा है ना वो पूरा नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरा पुराना ही इतना सारा रखा हुआ है ना कि मैं तो इसलिए ना मैं सीक्वेंस वाइज जा रही हूँ. मैं सब कुछ पहले पुराना अपलोड कर देती हूँ, देन मैं रेगुलरली करूँगी. शादी का भी बहुत सारा चीज़ बाकी है, विदाई एंड ऑल रिसेप्शन. तो गाइस मेरा मेन मोटिव है अभी ये बोलने का कि रिसेप्शन के बारे में, सब कुछ हो गया, लगन हो गया, बारात हो गया, एंड मैनी पीपल आर वेटिंग फॉर रिसेप्शन, रिसेप्शन को व्लॉग देखने के लिए. बट गाइस आई कांट अपलोड रिसेप्शन का व्लॉग बिकॉज मेरे पास कुछ कंटेंट ज़्यादा है ही नहीं रिसेप्शन का. मतलब रिसेप्शन के वक्त आई वॉज सो बिजी कि मैं जो वहाँ हो रहा था आई वॉज अनएबल टू शूट. मतलब इस रिसेप्शन का जो है ना कंटेंट बहुत सारा था, बट मेरे फ़ोन में मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज बिजी. एंड मैंने बारात के टाइम अपना फ़ोन किसी और को दे दिया था, द वन हु वाज शूटिंग द होल बारात, तो बारात मैंने दे दिया. बट रिसेप्शन के वक्त आई फॉरगॉट. तो इसी के लिए मेरे पास रिसेप्शन का कंटेंट नहीं है. तो रिसेप्शन के लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा बिकॉज कैमरामैन जो शूट कर रहा था उनके पास सब कुछ है, डिटेल एवरी थिंग. आवाज़ के लिए आई एम सॉरी बिकॉज थोड़ा काम चल रहा है घर में, इसी के लिए थोड़ा आवाज़ आ रहा है. सॉरी गाइस, एक्चुअली थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, इसी के लिए वो थोड़ा आवाज़ आ गया था, सॉरी. हाँ, तो मैं रिसेप्शन का बोल रही थी कि रिसेप्शन का व्लॉग अभी मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, उसमें थोड़ा टाइम है. बट मैं ना अभी आप लोगों को विदाई घर, भाभी का जो विदाई होकर घर में आया गया था, वो सब कुछ मैं शेयर करूँगी. बहुत कुछ है, आप लोग वो सब देखो. एंड घर में आने के बाद जो जो रस्म हुआ था, देन हम लोगों का क्या क्या रस्म होता है बहू लाने के बाद, वो सब कुछ है. आप इन डिटेल वो सब देखो, रिसेप्शन का बाद में मिलेगा. तो अभी आप ना रात का देखोगे. बेसिकली जब हमारा सब पार्टी ख़त्म हो गया था तो हम लोग अपने रूम एंड ऑल में थे रात भर. रूम में थे हम लोग रात भर, तो सभी लोग थे. बट उस दिन ना मैं, भाभी और रवि, हम भैया, हम लोग सब एक ही साथ ही थे बिकॉज सुबह सुबह भाभी को उनके घर लेके जाना था, तो क्योंकि उनके घर से उनके फैमिली वाले ने बोला था कि उनकी विदाई होगा, तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे उनके घर के लिए. तो अब देखो इन डिटेल, मैं इन डिटेल उस वहाँ पर आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी. तो रिसेप्शन नहीं, अभी आप विदाई एंड ऑल का सब कुछ देखोगे. ये ना सारा पार्टी एंड ऑल ओवर हो गया था, तब का है, रात का सीन है जब हम लोग रूम में आ गए थे चेंज एंड ऑल करने. मेरा गला बहुत बैठ गया है, इसके लिए ना मैं व्लॉग कुछ डाल नहीं पा रही हूँ. आदि का रिसेप्शन का तो बिल्कुल भी नहीं कुछ डाल पाऊँगी, वॉइस बोर्ड खत्म हो गया तो बाद में. तो गाइज़ आपने देखा मेरा गला का हालत इतना ख़राब हो गया था. एक्चुअली मुझे ना दो दिन पहले से ही बहुत बुखार आ रहा था, वो तो मैं ऐसे ही दवा एंड ऑल खा के ठीक हो रही थी, बट मुझे थोड़ा ठंडा लग गया था. तो गाइज़ ये ना सुबह सुबह का सीन है, एकदम आई गेस 5:45 का. तो हम लोग तो बस हम लोग सुबह सुबह रिजॉर्ट से निकल रहे थे, भैया, भाभी, मैं और रवि. हम लोग ना भाभी के घर जा रहे थे क्योंकि उनका विदाई उनके घर से होने वाला था, तो इसी के लिए मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया. मैं सुबह सुबह ही उन लोगों को लेके निकल गई
और ये हमारे भाभी का घर, वहाँ पर उन्होंने चेंज किया जो कपड़ा जो हम लोगों ने ला के उनको दिया था, चादर और चुंदरी, तो उन्होंने वो पहना, वो सब पहन के, तो ये उनके घर से उनका विदा हो रहा था। तो बस हम लोग जा रहे थे, मतलब मैं लेके जा रही थी भाभी को अपने घर। तब सारा रिचुअल्स एंड ऑल आप लोग देखो कि विदा होने के बाद क्या क्या रिचुअल्स होता है। तो मैं और रवि भाई और भाभी को लेके जा रहे थे। तो बस ये आप लोग पहुँच गए अपने घर। तो यहाँ पर ना वो घर में जाने से पहले ये कुछ रिचुअल्स होता है, ये किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बारात निकलने के पहले भी ये रिचुअल्स हो रहा था, एंड फिर उनके घर से भी जब इनका विदाई हुआ तब भी हुआ था, जब भैया ने एंट्री किया था तब भी हुआ था। ये कुछ होता है, ये ऐसे ऊपर से नीचे जो भी ग्रूम एंड ब्राइड को ऐसे उतारा जाता है, तो जो भी मैरिड वुमन होती है ना वो लोग करती है। तो इसी के लिए पहले मैंने किया, एंड ये बेसिकली 5 वुमन्स होती हैं वो लोग करती है। तो बस सबको यही कर रहे थे। उसके बाद ये मम्मी कुछ कर रही थी, ये होता है कुछ सामान एंड ऑल लेके, वो लोड़िया दल घुटनी सबसे वो नज़र एंड ऑल उतारा जाता है। तो बस वही सब हो रहा था, आप लोग देखो सब। तो बस ये वाला भाभी लोग अंदर आ रही थी, तो वही मैं द्वार छिकाई का रस्म कर रही थी, रोज डिमांडिंग फॉर मनी। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने पहले ही से बोल के रखा था मुझे कितना चाहिए नहीं चाहिए, तो भैया ने रेडी करके रखा था तो उसने दे दिया। से दीजिए 50 नहीं है, नहीं 51 से लेंगे 100। हाँ 51 से लेके ठीक है। तो घर में आते ही तो फिर सारा रिचुअल एंड ऑल स्टार्ट हो गया। ये ना हमारे यहाँ का रिचुअल है कि सबसे पहले दुल्हा दुल्हन जो आती है, तो हम हमारे यहाँ जो आप लोगों ने देखा होगा मेन पूजा में वो जो देवता पितर बनता है, तो बस उन्हीं के सामने बैठा दिया जाता है उनका ब्लेसिंग्स एंड ऑल लेने के लिए। तो ये सारा रस्म होता है वहीं पर बैठा के किया जाता है जहाँ पर देवता पितर बनता है। वो नई जो भी ग्रूम एंड ब्राइड होता है उन लोग को कुछ मीठा खिलाया जाता है, बेसिकली दही खिलाया जाता है। तो बस वही सब रिचुअल्स चल रहा था। देन ये रिचुअल होने के बाद ना ये अंगूठी का कुछ क्या बोलते हैं कुछ जुआ खिलाई वो हो रहा था, तो बस ये जुआ खिलाई का रस्म एंड ऑल हो रहा था। मंदिर में विदाई का भी कपड़ा बने रहा था गंगा पूजा में लगे देवस्थान में रखा दो। हाँ अभी सब देवस्थान में लगा दो, माला वाला सब खोल के सब माला वाला सब खोल के देवस्थान में रख दो। सो गाइस ग्रेट प्रीवियस का बस इतना ही था, और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपलोड करूँगी। बट गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, डू लाइक शेयर गाइस।